फैसला नियम संगत न्याय संगत हुआ है, अच्छी बात है, सब लोग प्रसन्न होना चाहिए। क्या फैसले में जो वर्सिप एक्ट को लेकर इसके साथ साथ जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर जो मुस्लिम पक्ष दावे कर रहा है उसे भी खारिज कर दिया है? सारी चीजें खारिज हो गई एक साथ। क्या क्या और कोर्ट ने क्या कुछ अपने वर्डिक्ट में कहा है? देखिए कोर्ट ने लंबे 150-200 पेज के फैसले हैं और उन्होंने सिर्फ अपनी ब्रीफ को सुनाया है और लास्ट में उनका प्रार्थना पत्र खारिज हो गया। अब आगे का रास्ता क्या है? क्या मुस्लिम पक्ष अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाता है तो फिर इस केस पर क्या प्रभाव? खारिज हो जाएगा वहाँ से भी खारिज होगा, इस बात की उम्मीद है? एकदम उम्मीद है। सर्वे के लास्ट दिन भी सोमवार का दिन, तो आज भी सोमवार का दिन है, संयोग है और आगे भी ये संयोग जारी रहेगा क्या? बाबा की इच्छा। इस चीज को, जिस लड़ाई को आप लोग दो दशकों से लड़ते आ रहे थे, लगभग 3 दशकों से, अब वो कहाँ है वो? देखिए हम एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो महिला याचिका करता है वो अब यहाँ पर बिल्कुल विजयी मुद्रा में एक तरीके से मग्न है। और जो ये सरकार, एक ऐसी सरकार आई है, ये सतयुग की सरकार है। आज हमारा यहाँ की बात नहीं, आज हमारे देश में जितने भी सनातन धर्म से जुड़े हुए तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर बहुत ही लंबा अच्छा विकास हुआ है और विकास हो रहा है। अभी विश्व विंध्यवासिनी मंदिर हम लोग गए, वहाँ पर काली रोड टाइप का बन रहा, बहुत ही विशाल मंदिर की स्थापना हो रही है, देखने काबिल 5 साल में होगी। जितनी भी सरकार की और कोर्ट की प्रशंसा की जाए उतना कम है। लेकिन बहुत लंबे महिलाओं ने लड़ाई लड़ी, सबसे बड़ी बात महिलाओं ने लड़ाई लड़ी और 5 महिलाओं ने ये पूरी याचिका लगाई थी। ये देश रानी लक्ष्मीबाई का देश है, ये वीरांगनों का देश है। यहाँ की हमारी जब आजाद नहीं हुए थे, देश आजाद नहीं हुआ था, तो हमारी इस देश की महिलाओं ने महती भूमिका निभाई थी। हम उस देश के नागरिक हैं, मातृशक्ति हैं। आज मातृशक्ति है तो हम हैं, इसलिए महिलाओं सर्वोपरि हैं। महिलाओं का सम्मान होगा इस सरकार में, जितना महिलाओं का सम्मान है किसी सरकार में नहीं हुआ। महिलाएं आगे हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं। जितनी भी प्रशंसा की जाए महिलाओं की कम है।